राजा पृथु के रूप में भगवान विष्णु के अवतार को देवताओं ने कैसे महान अस्त्र शस्त्र दिए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु अपना हर अवतार इस पृथ्वी और मानव जाति के कल्याण के लिए ही लेते हैं, और भगवान श्री हरि के हर जन्म की यानी उनके अवतरण की कथाएं हमेशा ही अद्भुत रही है। उनके कुल 24 अवतार हुए हैं और हर अवतार में वे अविश्वसनीय रूप से प्रकट हुए हैं। चलिए जानते हैं उनमें से एक अवतार राजा पृथु के बारे में। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक और महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में, हरिवंश पर्व में, वामन पुराण में 47वें अध्याय में मिलता है। कथा इस प्रकार है कि राजा अंग के मृत पुत्र राजा वेन की जांग मथने पर एक निषाद उत्पन्न हुआ था। उस बौने पुरुष को राजकार्य संचालन में अनुपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियों ने वहां मरे हुए राजा वेन की दोनों भुजाओं का मंथन किया, जिसमें से बाएं से एक स्त्री और दाएं हाथ से एक पुरुष प्रकट हुआ। तब सतपुरुष के जन्म लेने से वेन स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही वेन की पू नामक नर्क से रक्षा हुई। उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। यह पुरुष अपने सुयश प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा और यह सुंदरी इस पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। उस समय जगत गुरु ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। तब ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। फिर महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय सभी ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सा सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियां जड़ती रहती थी। वायु ने दो चंवर, धर्म ने कीर्तिमय माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष दिया। वह प्राचीन धनुष आजगव नाम से प्रसिद्ध था। सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देने वाली योगमय पादुकाएं, आकाश के अभिमानी गौ देवताओं ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोकटोक मार्ग उपहार में दिए थे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार राजा पृथु को देवताओं ने इतने अस्त्र शस्त्र और पुरस्कार दिए थे। दोस्तों, शास्त्रों की यह रोचक बातें आपको कैसी लगी यह भी बताइए। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।